कृपासंधु नरूप है महामोहतम जासुवचन रवि कर मंगल मूरति सतगुरु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, जिस सत्संग में देवेंद्र अपने पूरे उत्साह और अपनी सेना के साथ उपस्थित हों, ऐसे सत्संग में हमारी जय जयकार इतनी कमजोर हो, ये बहुत ही विचित्र और शोचनीय बात है। जितने भी हैं हम उससे अधिक जोर लगाकर गुरु का जय जयकार करें। हम लोग बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग नवरात्रि के परम पावन परम पर्व के मध्य संतमत के सत्संग में एकत्रित हैं। आज सप्तमी है और यदि हम बंगाल बिहार इत्यादि उत्तर भारत के प्रदेश में जाएं तो देखेंगे कि आज से इस दुर्गा पूजा का उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगता है। सप्तमी अष्टमी और नवमी इन तीन दिनों में जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देता है। यदि कलकत्ते वगैरह में चले जाएं तो चलने के लिए जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। एक एक पंडाल खजा खच भरा रहता है, एक से एक झांकियां बनाई जाती हैं। ये नवरात्रि मां शक्ति की आराधना का पर्व है। शक्ति रूपा देवी को कहा गया है। अभी हमारे बीच आदरणीय श्री वाणी सिंह जी राणा ने जो भजन गाया तो भजन के प्रारंभ में उन्होंने मां की स्तुति की और उसमें कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जो देवी सब भूतों में, इस पर हम लोग आएंगे धीरे धीरे, तो विचार करके देखें, सिर्फ
तो वंदना करने से काम नहीं चलेगा, उसका अर्थ भी समझना पड़ेगा, उसके मर्म पर विचार करना पड़ेगा कि किस देवी की हम उपासना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो सर्वभूतेषु सभी शरीरों में शक्ति रूप में संस्थित है, स्थित है। नमस्तस्ते 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 नमो नमः, उन देवी की, देवी के उस रूप की हम आराधना करते हैं। दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है, उसमें देवी की कई रूपों में स्तुति की गई है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिताम, बुद्धि रूपेण संस्थिताम, निद्रा रूपेण संस्थिताम, इतने सारे रूप। तो ये शक्ति की आराधना का महापर्व है। शक्ति किसे कहते हैं? वो देवी जो सभी रूपों में, सभी शरीरों में, सभी शरीर कहा गया है, सिर्फ मानव शरीर नहीं, सर्वभूतेषु, भूत मतलब होता है शरीर, जितने जीव जंतु हैं उन सब में सिर्फ एक ही रूप लिया जाए, शक्ति रूप। शक्ति रूप से जो विराजमान है, विद्यमान है, उनकी हम उपासना करते हैं। तो सभी भूतों में वो शक्ति रूप कैसा होगा देवी का? एक देवी का रूप जो होता है, जिसे हम सामने रख के उन्हें दिया बाती दिखलाते हैं, धूप बत्ती वगैरह दिखलाते हैं। अभी भजन सुना आपने, पीले शेर पर सवार है ना, आठ भुजाओं वाली अष्ट भुजा देवी, एक हाथ में त्रिशूल, एक में खड़क, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए, एक वो रूप है देवी का। और इस जिस रूप की उपासना की बात यहाँ कही गई है, वो कहा गया है कि जो सभी शरीरों में शक्ति रूप में स्थित है। तो हम लोग आज के इस सत्संग में इस नवरात्रि के रहस्य को, इसके संकेत को समझने का प्रयास करें। नवरात्रि, नव मतलब नाइन, नौ रातें, नौ दिनों तक ये पर्व चलता है। और इन नौ दिनों में देवी के दुर्गा पूजा भी इसे कहते हैं, है ना। दुर्गा, दुर्गा किसे कहते हैं? तो कहते हैं दुर्गे दुर्गति हारिणी। दुर्गा कौन? जो हमारी दुर्गति का हरण करने वाली है, जो हमारी दुर्दशा है, जो हमारी दैन्यावस्था है, जो हमारे संकट हैं, उनका जो नाश करे, उसे कहते हैं दुर्गा। और इन नौ दिनों में दुर्गा माता के नौ विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है। नाम हम लोग जानते हैं, शुरुआत होती है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, इस तरह से कई रूप हैं, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कालरात्रि, स्कंद माता, कात्यायनी, ऐसे बहुत से सिद्धिदात्रि, ऐसे नौ रूपों की उपासना हम लोग करते हैं इन नौ दिनों में। और इन नौ दिनों में नौ रूपों की उपासना करते हैं, लेकिन उनको भी प्रमुखता से तीन वर्गों में बांटा गया है। तीन तीन के सेट में, समूह में हम उनकी उपासना करते हैं। जो पहले तीन दिन होते हैं उनमें माँ दुर्गा या काली की उपासना होती है, प्रथमा, द्वितीया, प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, इन तीन तिथियों में जो दुर्गा माता के रूप को हम पूजते हैं उन्हें माँ काली या माँ दुर्गा कहा गया। इसके बाद चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को उनके लक्ष्मी रूप की उपासना होती है। और आज से जो शुरू हुआ है सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीन अंतिम के तीन दिनों में मां सरस्वती की उपासना। तो उपासना, तो पहले तीन दिनों में हम लोग मां काली की उपासना करते हैं, मध्य के तीन दिनों में मां
माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं और अंत के तीन दिनों में माँ शारदा या सरस्वती की उपासना करते हैं। इसका संकेत क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करें। सबसे पहले क्यों हम माँ काली की या दुर्गा की उपासना करते हैं? दुर्गा जो है माँ का संहारक रूप है, वो विनाशकारी रूप है। काली, माँ काली को देखा हो कितना भयावह रूप होता है, काला चेहरा, विकराल मुख, फैले हुए बाल, जीभ निकली हुई, देखकर डर लगता है। क्यों माँ काली का या माँ दुर्गा का अवतरण हुआ? तो आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए। माँ दुर्गा की क्या कथा है? तो माँ दुर्गा के अनेक नामों में से एक नाम है महिषासुर मर्दिनी। उसमें हम लोग आरती भी रोज गाते हैं, महिषासुर जय देवी जय महिषासुर मर्दिनी, बोलते ना सुरवर ईश्वर वर्दे तारक संजीवनी गाते हम लोग। तो वो महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर नामक राक्षस का वध करने वाली हैं माँ दुर्गा। वो महिषासुर इतना दुर्दांत, इतना बलवान राक्षस था कि देवताओं के मारे भी नहीं मरता था। और तब सबने मिलके शक्ति रूप का आह्वान किया और माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर का वध करके मानवता को, जीव मात्र को संकट से उबारा। अब ये महिषासुर कौन है? महिष जोड़ असुर, महिषासुर। असुर मतलब राक्षस, महिष मतलब भैंस, महिषी मतलब मादा, महिष मतलब नर। महिषासुर भैंस के रूप में जो असुर था उसका वाहन भी भैंसा है। देखते हैं ना हम लोग, भैंसे पर सवार रहता है महिषासुर और उसका वध करती है सिंहवाहिनी माँ दुर्गा। तो ये भैंसे के रूप में राक्षस है, ये भैंस क्या है, ये महिष क्या है? महिष का रंग कैसा होता है, वर्ण? काला, अंधकारमय। ये काला रंग जो है ये तमोगुण का प्रतीक है, तमोगुणी है भैंस। बोलते ना ये एकदम भैंस ही है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए, कहावत है कि उसको सद्ज्ञान दीजिए लेकिन वो उल्टे घड़े के समान होता है, बुद्धि नहीं होती है। भैंस कितनी मंद बुद्धि होती है, उसके पीछे आपके सामने चल रही है, हॉर्न बजाते रहिए, हिलती नहीं है, थोड़ा धक्का लगाएंगे तो हटती है। बुद्धि भी बहुत कम होती है, मंद बुद्धि होती है। पसंद क्या होता है उसको देखिए, अभी बारिश का मौसम है, बड़ी खुश रहती है भैंसे, कीचड़ में बैठना पसंद करते हैं, घंटों कीचड़ में, जब तक पंख में बैठेगी नहीं तब तक भैंस को, कई लोग तो कहते हैं कि दूध भी पूरा नहीं देती है यदि उसे बैठने को नहीं मिले। फिर कीचड़ से लिपटी आती है, बेचारा ग्वाला उसको रोज धोता है और फिर दूध नहीं देता। जो पंख में रहना पसंद करे, कीचड़ में रहना पसंद करे, जो अंधकारमयी हो, इसको कहते हैं महिष। क्या हम में से प्रत्येक के अंदर वो महिषासुर विद्यमान है या नहीं? हमारी जो तमोगुणी वृत्तियां हैं वो उस महिषासुर का प्रतीक है। अंधकार पसंद है हमें, यदि हम में प्रमाद है, यदि हम में मूढ़ता है, यदि हम में आलस्य है, यदि हम संसार के विषय रूपी कीचड़ में, पांच विषय हैं हमारे, रूप है, रूप है, शब्द है, गंध है, स्वाद है और स्पर्श है, ये पांच विषय हैं। ये पांच विषय जो हैं यही पंख हैं। इन विषयों की कीचड़ में यदि हमें अच्छा लगता है
आनंद आता है। संसार के विषयों में यदि हमारा मन रमता है तो क्या हम महिषासुर नहीं है? जिधर अच्छा काम हो रहा हो उधर जाने में हमें बुरा लगता है तो क्या हम महिषासुर नहीं है? तो यदि हमारा मन तमोगुण से भरा पड़ा है तो क्या उसमें मां शक्ति का अवतरण होगा? यदि हम अपने अंदर में भगवत तत्व को समाना चाहते हैं, प्रविष्ट कराना चाहते हैं, तो पहले जो हमारे अंदर में कुवृत्तियां हैं, पहले जो हमारे अंदर में बुराइयां हैं, बुरे भाव हैं, उनका संहार करना होगा। जब तक हमारे अंदर से हमारी बुरी भावनाएं जाएंगी नहीं तब तक सफाया होगा नहीं और ईश्वर आएंगे नहीं। यहां इतनी मनोविकार की गंदगी भरी पड़ी है, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य मोह, इतनी तरह की गंदगियां भरी पड़ी हैं, वहां पर कौन आएगा? समर्थ रामदास जी के जीवन से एक कथा आती है। एक बार वो एक घर के आगे भिक्षा मांगने गए तो माता बाहर निकली, उन्होंने गृह स्वामिनी ने उन्हें कुछ भिक्षा दी और उनसे पूछा कि कुछ ज्ञान का उपदेश करें महात्मन, ऋषिवर थोड़ा हमें उपदेश दीजिए। तो रामदास जी ने कहा कि आज नहीं कल दूंगा, चले गए ऐसा कहकर, और अगले दिन फिर से उसी घर के आगे भिक्षा मांगने आए। उनकी आवाज सुनकर वो माता फिर से आई और आज उन्होंने खीर बनाई थी, बड़ी स्वादिष्ट खीर, कहा लीजिए बाबा ग्रहण कीजिए। और इन्होंने अपना कमंडल आगे कर दिया, कमंडल आगे बढ़ाया और जो ही उसमें खीर डालने को तत्पर हुई वो महिला, तो देखती कि उस कमंडल में